नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बीते दिनों आपने खबरों में देखा होगा कि खगड़िया के एक स्कूल की दीवार गिरने की वजह से 6 लोग मारे गए थे, जिसको लेकर आज पप्पू यादव खगड़िया पहुंचे हुए थे। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें मुआवजे के लिए पैसे भी दिए। आप तस्वीरों में देखिए, पप्पू यादव पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल खगड़िया जिले अंतर्गत गोगरी प्रखंड के 14 बनी चंडी टोला में ये घटना हुई थी, जहाँ पर मध्य विद्यालय के दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहां पर आज पप्पू यादव पहुंचे हैं। आपको पता है कि ऐसे भी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूमते ही रहते हैं, और जहां पर भी इस तरह की घटनाएं होती है वहां पर जाते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं और उनकी संभव मदद भी करते हैं। वहां पर भी उन्होंने पीड़ित परिवारों को मदद की है, और क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, आप सुनिए। गिर गया संवेदक जो है, उसने बदमाशी की, उसने सही तरीके से काम नहीं किया, एस्टिमेट के आधार पर काम नहीं किया, इसलिए उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो, लोगों का ये डिमांड है। और ख़ास तौर पर एक घूर भी जमीन जिसके पास नहीं है उसको बास्केट पर्चा देके इंदिरा आवास देकर के तुरंत अविलंब उसकी कार्रवाई से। अगर दोषी अधिकारी को बचाए जाएंगे तो पप्पू यादव क्या करेंगे? नहीं, आप बेफिक्र रहिए, पप्पू यादव की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लीडर है, वो लड़ लेगा उनसे, हमारी जरूरत नहीं महसूस होगी, आप चिंता नहीं करिए। यहाँ लड़ने की हैसियत रखता है हमारे लीडर, सभी लोग यहाँ ईमानदार हैं और इस लड़ाई को मुकम्मल तक पहुँचाएंगे। पोस्टमार्टम से लेके यहाँ तक हमारे लीडर आपके साथ खड़े थे और कंप्लीट खड़े रहेंगे। कौन एमएलए कहाँ है, एमएलए का ठेकेदार कौन है, एमएलए पैसा 30% लेता है, 30% पैसा लेता है एमएलए लोग, सब ठेकेदारी में 30% लगभग पीसी बंधा हुआ है। कौन पीसी लेगा ये एमएलए एमपी मंत्री, क्यों पीसी लेगा? 30-40% पीसी ले लोगे, 30-40% पीसी ले लेगा पदाधिकारी, क्या होगा? उसकी भी जांच हो और एमएलए पर भी एफआईआर होना चाहिए। ऐसे एमएलए को बकसना नहीं चाहिए। तो जनता मूर्ख है, जो लड़ता है, जो ईमानदार है, जनता उसकी सुनता ही नहीं है। तो आपने पप्पू यादव को सुना, उन्होंने किस तरह से सरकार के मंत्रियों पर और जितने भी अधिकारी हैं उन पर निशाना साधा है। ये कहा है कि लोग आखिरकार ऐसे लोगों को वोट देते ही क्यों हैं जो समय पर मदद करने के लिए नहीं आते हैं। पीड़ित परिवार के लिए सरकार से भी उन्होंने मुआवजे की मांग की है। ये कहा है कि सरकार को इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि इनके घर के लोगों की मौत दीवार गिरने से हो गई है, ये लोग ही घर में कमाने वाले थे। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।